भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में मंगलवार को आयोजित किए गए। अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक नॉन मेडिकल के साक्षात्कार में 103 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 37 अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया, जबकि अन्य अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जा रहे हैं। बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों के टीजीटी नॉन मेडिकल के 26 पद भरे जाएंगे। इनमें सामान्य के 13, ओबीसी के 3, एससी के 6 और एसटी के 4 पद भरे जाएंगे। टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए सामान्य वर्ग 2004 बैच, ओबीसी का 2006 बैच, एससी का 2018 और एसटी का 2019 बैच के अभ्यर्थियों को कॉल लेटर के जरिए बुलाया गया था। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लिए जा रहे हैं। यही नहीं, साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग और हाथ भी सैनिटाइज किए गए। साक्षात्कार में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए पुलिस के जवान सुबह से लेकर शाम तक कार्यालय में तैनात रहे। हमारे पास जो है टीजीटी आर्ट्स का पिछले कल जो है वार्ड ऑफ असेसमेंट का इंटरव्यू हुआ, जिसमें 44 कैंडिडेट अपीयर हुए आउट ऑफ 100 की, और आज जो है नॉन मेडिकल का है वार्ड ऑफ असेसमेंट का, जिसमें जो है इस समय तक 37 आउट ऑफ 100 ही जो है अपीयर हो चुके हैं। कल मेडिकल का है वार्ड ऑफ सर्विसमैन का, उसमें जो है वो हमारे पास पोस्टें हैं 18 जनरल हैं, नहीं टोटल 18 हैं, जिनमें जो है कल इंटरव्यू होने वाला है, जिसके लिए 70 कैंडिडेटों को बुलाया। टी जी टी आर्ट्स में जो है हमारे पास टोटल पोस्टें जो है 45 हैं, और नॉन मेडिकल में 26 हैं तथा मेडिकल में जो है वो 18 है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।